में आया है कि दूसरी पार्टी जो बीजेपी के वो कैबिनेट मंत्री को उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री या और मंत्री चेयरमैनी के चुनाव में इतनी मजबूती से लगे, तो आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हम लोग कितनी मजबूती से चुनाव जीतने की कगार है। असर जो आंवला में मुद्दे कह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव है? आंवला में सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है, क्योंकि जो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में सैयद आबिद अली साहब ने अपने कार्यकाल में कराया, वो विकास वहीं का वहीं ठप हो गया जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने, और उसके बाद इन 5 सालों में कोई भी नया काम उन्होंने नहीं करके दिखाया है, उन्हीं कामों पे लीपा पोती और करके ही अपने काम गिरा दिया है भाजपा। सर आगामी 2024 के लिए आपकी क्या रणनीति है? 2024 के लिए हमारे ज़्यादातर सभी लोकसभाओं पे समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी ने सब जगह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और उन प्रभारियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ काम मिला हुआ है, वो अपना काम हम लोग पूरा कर रहे हैं, जिसको हमको जून में देने को कहा गया है, उसके बाद हम लोग अपने लोकसभा में प्रत्याशियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जोन स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, बूथ स्तर पर अपनी बैठक की तैयारी कर रहे हैं। हम 24 की तैयारी सर इस समय जो आज आपने कार्यक्रम किया हुआ है आंवला में, सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज यहाँ पे आंवला की कुछ लोगों ने साथी बुलाया था, साथ जो नए गांव जुड़े हैं बैठा आबादपुर वगैरह, वहाँ के कुछ सम्मानित साथी बुलाए गए थे, और वहाँ से उन लोगों से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में, माननीय सैयद आबिद अली साहब के पक्ष में, हम लोगों ने वोट करने की अपील करी और अपनी एक नई रणनीति तय करी।